मुबारक हर शहीद एजुकेशनल फाउंडेशन व इमाम चौक मुतवली एक्शन कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में मुबारक हर शहीद दरगाह परिसर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के खैरुल बशर ने कहा, अगर हुसैन ना होते तो इंसानियत ना होती तथा हुसैन इंसानियत के यूनिवर्सिटी हैं। उन्होंने कहा, हुसैन उस मंजिलात का नाम है जिसमें इंसानियत की बका को बाकी रखा तथा हुसैन ना होते तो इंसानियत मिट गई होती। हुसैन को सभी मजहब व धर्म के मानने वाले हुसैनी फरमान पर चलते हुए इंसानियत को कायम और दायम किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुसैन ने इंसानियत को जिंदा रखने के लिए करबला के मैदान में सिर को कटा दिया, लेकिन इंसानियत को मिटने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हुसैन ने हक और दस्ते करबला में सच्चाई और इंसानियत का पैगाम दिया था। इस अवसर पर इकरार अहमद, सैयद साहब, हाजी कलीम अहमद फर्जंद अब्दुल्ला, शकील अहमद अंसारी, मौलाना मोहम्मद अहमद मिसहाबी, शाहीन शेख, कारी हसन रज़ा, पार्षद मतीउद्दीन मतीन, पार्षद ज़ुबेर अहमद, मोहम्मद नवाज हुसैन, इमरान ताजवर, शादाब शगुफ्ता, मिनतुल्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए फाउंडेशन के खैरुल बशर ने कहा, एक आदमी हम लोग के बीच बच गए थे, तो मैं इमरान भाई से कि वो हाजी साहब का बैच लगा कर चाहिए आपकी, ऐसा एक नाम और शकील साहब का बैच लगाने के लिए, फिर मैं संगोष्ठी का भी मायनाज शख्सियत है, उनको बुलाया कि इंसान को बेदार को हो लेने दो कि हमारे हैं हुसैन। दोस्तों मैं तारुफ भी कराता चलो कि हमारे बीच में हारिफ साहब का खैर मकदम और इस्तकबाल करते हुए हमारे बीच में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे दुनिया के साथ साथ पचास साल हम लोग को दिन के लिए भी तैयार कर रहे हैं, जो आगे चल के हम लोग अपने नस्ल को इंसानियत पे हक पे कायम रहने का हौसला दें। तो इसी से हम शुरुआत करते हैं। ऐसे तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार बुलंद और अफजल है। आज हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इंसानियत का जिक्र करेंगे। जब यजीद अपने को खलीफा नियुक्त किया तो उसने वे सभी नजायज काम करने लगा जो इस्लाम में मनाहियत था। तब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस दीन और इस्लाम के लिए आवाज उठाई जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इस्लाम और दीन को फैलाया था, जिसे चार खलीफा ने आगे बढ़ाया। उस दीन और इस्लाम में यजीद बुराई मिटा रहा था, जैसे शराब पीना, निकाह में उलट से जुआ खेलना। यजीद ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बोला कि बेयत मान लें, आपने बेयत को इनकार कर दिया। तब आपने इस्लाम के लिए करबला में जंग लड़ा, इंसानियत और दीन के लिए आपने सजदे में सर कटा कर शहीद हो गए। बहुत खुशी और बहुत गम का दोनों का मकाम है, बहुत खुश होने का मकाम है, गम होने का, अपनी इस्लाह करने का मकाम कि हम किस तरह से ईमान हुसैन को याद करें और हम कितनी इस्लाह और आने वाला हमारा मुस्तकबिल इस तरह से हो, इसका फैसला, इसका मिजाज, इसका किरदार हम इमाम हुसैन के बचपन से लेकर के और 56 साल तक उस जब शहीद थे उसके बीच में पहुँच गए तो इंसान ला क़यामत तक इंसानियत को बचाया जा सकता है। मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वह स्प्रेन अपने बड़े दिलों और दिमाग से जो से तैयारी किए हुए हैं बड़ा अच्छा टाइम दे करके वो अपनी बात को रखें और हमारे मुर्तजा साहब इतना खूबसूरती के साथ उसका जो स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम प्रोग्राम वो अपने बच्चों को इस तरह से
तरह से स्पेस दें। उसको नुकमा जो आप बता रहे थे वो दिया करें। खैरुल बशर एजुकेशनल फाउंडेशन ISPCS गोरखपुर। आज आस्थाने आलिया मुबारक खान शहीद के आस्थाने पर जो एजुकेशनल फाउंडेशन यहां पे हुई है और उसके अंतर्गत IAS और PCS की जो कोचिंग कराई जाती है, उन सभी बच्चों के बीच आज इंसानियत को बचाने के लिए हजरत इमाम हुसैन की याद में किस तरह से पूरे विश्व के लोगों को ये बताया जाए कि आज अगर इंसानियत को बचाना है तो इमाम हुसैन के प्लेटफॉर्म पे आपको मुत्तहिद होकर के खड़ा होना होगा, उसी पे एक विचार गोष्ठी मुबारक खान शहीद आस्थाने की कमेटी और इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी सभी लोग मिलकर के बच्चों के साथ एक विचार गोष्ठी करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि इमाम हुसैन के किरदार को किस तरह से आने वाले मुस्तकबिल जो है हमारे जो बच्चे हैं उनको कैसे इमाम हुसैन का असली किरदार पेश किया जाए ताकि उस किरदार पे खड़े होकर के कयामत तक आने वाली इंसानियत को बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।